जनपद संभल में दो दिन पहले पेड़ काटने को लेकर हुए मामूली विवाद में डबल मर्डर के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों ने पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद के दौरान परिजन की हत्या कर भाग रहे दूसरे पक्ष के एक शख्स को पकड़कर जमकर पीटने के बाद उसी के हथियार से शख्स की हत्या कर दी थी। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। डबल मर्डर की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। घटनास्थल पर पहुंचे एसपी यमुना प्रसाद ने घटना की जानकारी के बाद पुलिस की तीन टीम बनाकर आरोपियों की गिरफ्तार के निर्देश दिए। आज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी इलाके में है और फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने तुरंत कार्यवाही करते हुए विजनेश और विधाराम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर बाबूराम की हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये 5 नवंबर 2020 को लगभग 5:30 बजे शाम को पुलिस को सूचना मिली कि रसूलपुर गांव के बाहर खेत पर मेड़ पर खड़े एक पेड़ के लेकर के बाबूराम और राम अवतार के बीच विवाद हुआ, जिसमें राम अवतार के पक्ष ने बाबूराम को पीट पीट करके हत्या कर दी, जिसमें थाना हाजर पर मुकदमा प्रसंग 905/20 पंजीकृत किया गया। पंजीकरण के बाद पुलिस की दो टीमें लगाई गई दबिश के लिए और दबिश के दौरान दो अभियुक्त विद्याराम और विजनेश गिरफ्तार हुए, जिनकी निशानदेही पर हत्या प्रयुक्त सभी औजार बरामद किए गए। आज दिनांक को उनको उचित धारा में मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा जा रहा है। उनके साथ जो बरामदगी के और असले हैं उन पर भी मुकदमा पंजीकृत करके वो भी साथ में सबमिट करके जेल भेजा जा रहा है।